5 लिंग। आज हम लिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे और समझेंगे। लिंग हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, जैसे संज्ञा सर्वनाम पढ़ा वैसे हमने लिंग भी पढ़ा है। लिंग का अर्थ क्या होता है? प्रतीक या चिन्ह। हमारी गुंजन बुक में जो दिया गया है पाँच है जो लिंग का, पेज नंबर 22 पे लिंग वाला चैप्टर है। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह। शब्द के जिस रूप से उसकी नर या मादा होने की जानकारी मिलती है उसे हम लिंग कहते हैं। और हम जैसे यदि उसकी सरल सी डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या है, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अब हमारे पेज नंबर 22 पर देखो, 22 पर कि हमें चित्र दिए गए हैं। दो चित्र बने हुए हैं, एक में एक छोटा सा बालक गेंद खेल रहा है और एक जो दूसरे चित्र में एक लड़की डांस कर रही है, नाच रही है। अब क्या है, ऊपर के वाक्यों में बालक पुरुष जाति का तथा बालिका स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। क्या है, यहाँ में लिंग क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं लिंग जैसे। तो उसके बारे में हमें क्या है, हमने सबसे पहले डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि शब्द के जिस रूप से उसके नर या मादा होने की जानकारी मिलती है उसे हम लिंग कहते हैं, मतलब पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। और हमने चित्रों के माध्यम से देख लिया, एक लड़का है तो वो पुरुष जाति का बोध करा रहा है और लड़की है तो वो स्त्री जाति का बोध करा रही है। अब क्या है, इससे हमें लिंग से हमें पता चलता है कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का स्त्री जाति का। अब आएंगे हम लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्या होता है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम देखेंगे पहला पुल्लिंग, बेसंज्ञा शब्द जिसमें पुरुष जाति का ज्ञान होता है या पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे छात्र पढ़ाई कर रहा है, यहाँ छात्र शब्द से पुरुष जाति का पता चल रहा है, अतः यह क्या है, पुल्लिंग है। अब इसमें भी हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है, एक लड़का बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा है, एक छात्र, तो क्या है ये, क्या ये जो छात्र है वो क्या कर रहा है, पुरुष जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो जैसे ही हम लड़के का चित्र देखेंगे, छात्र का चित्र देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है। तो बेसंज्ञा शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। अब हमने पहला पढ़ लिया, लिंग के दो भेद में से पहला भेद पढ़ लिया। अब हम आएंगे सेकंड वाले भेद पर। अब हमें इसमें भी एक चित्र दिखाई दे रहा है, विद्यालय है और एक लड़की स्कूल जा रही है, और तो क्या है ये, स्त्रीलिंग। स्त्री जाति की जानकारी देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सामने दिए गए वाक्य में शब्द छात्रा जाति स्त्री जाति के बारे में बता रहा है, अतः यह क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है ये, स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों से हम, जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कह रहे हैं। अब हमें ये चित्र से भी समझ में आ रहा है, पहले चित्र में हमें लड़का दिखाई दे रहा था, दूसरे चित्र में, पहले चित्र में हमें छात्र दिखाई दिया फिर छात्रा दिखाई दी, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में हमें बताया गया है। अब हमें लिंग की पहचान करना है, दिए गए शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। अब लिंग की पहचान क्या है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्या है, हमेशा ही क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्या है, हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रत्नों के नाम हैं, हीरा, पुखराज, मूंगा, पन्ना आदि। हमने देखा है कि लोग अंगूठियां पहने रहते हैं हाथों में, तो जो रत्नों की अंगूठी पहनते हैं तो उसमें क्या है, रत्नों के नाम जो सदैव पुल्लिंग होते हैं वो कौन कौन से हैं, हीरा, पुखराज, मूंगा और पन्ना। देशों के नाम, म्यांमार, चीन, भारत, जापान आदि, ये क्या है, श्रीलंका। ये श्रीलंका इसमें से क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब पेड़ों के नाम, जो वृक्ष होते हैं वो भी क्या है, पुल्लिंग को होते हैं कुछ, जैसे जामुन है, अशोक है, आम है, बरगद है, शीशम आदि, ये क्या है, हमें शब्दों से ही पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है। दिन, महीने और ग्रहों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम और ग्रहों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे रविवार है, सोमवार है, और जैसे हमें पता है कि रविवार को हम सूरज भगवान की पूजा करते, सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करते, ऐसे क्या हैं, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। ज्येष्ठ, जे महीनों के नाम हैं, ज्येष्ठ, फागुन, मंगल, सूर्य, बुध आदि, ये क्या है, ये ग्रहों के नाम हैं, मंगल, सूर्य, बुध, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। पहाड़ों और सागरों के नाम, जो पहाड़ हैं, महासागर हैं, वो भी क्या है, पुल्लिंग होते हैं कुछ कुछ। जैसे विंध्य है, पहाड़ों का नाम दिए, विंध्य, हिमालय और अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये क्या है, सभी पुल्लिंग शब्द हैं। क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। अब हमें क्या करना, हम नीचे दिए गए, हमने इनमें से क्या कर लिया, पांच ही पुल्लिंग शब्द पढ़ लिए, जो हमेशा जो रत्न हैं वो हमेशा, ये जो शब्द हमने आपको बताए वो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। रत्नों के नाम बता दिए, देशों के नाम बता दिए, पेड़ों के नाम बता दिए, दिन, महीने और ग्रहों के नाम भी बताए आपको, पहाड़ों और सागरों के नाम बताए।
अब हम आएंगे स्त्रीलिंग। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग ही होते हैं। अब उसमें नदियों झीलों के नाम, जैसे नदी और झीलें हैं तो उनके नाम भी होते हैं, तो गंगा, सांभर, कृष्णा, यमुना, चिल्का आदि क्या है, कुछ नदियां हैं और कुछ उसमें झीलें हैं। ये क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है। भाषा, बोली और लिपियों के नाम, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। कुछ जैसे भाषा है, लिपि है, हिंदी, तमिल, गढ़वाली, अंग्रेजी, भोजपुरी, देवनागरी आदि, ये क्या है, क्या है, स्त्रीलिंग है। भाषा, लिपि, इसमें तीनों चीज़ें मिक्स हैं, भाषा, बोली और लिपि के नाम। तिथियों के नाम, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, सप्तमी, दूज आदि, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ई, नी, आवट, आनी, आयन, ता, आस और इनसे समाप्त होने वाले शब्द बताए गए हैं। इसमें लड़की, कथनी, सजावट, देवरानी, ठकुराइन, मित्रता, खटास, काबिन आदि, क्या है, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लिंग की डेफिनेशन समझी, लिंग के भेद समझे, और कुछ में हमने लिंग की पहचान करी कि क्या है, कुछ शब्द जो दिए गए हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ पुल्लिंग होते हैं। अब हम आगे के चैप्टर में, आगे के वीडियो में आगे का चैप्टर समझेंगे।